एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और आज की रेसिपी थोड़ी फनी भी है। और कहते हैं ना कि एक जो मिडिल क्लास वाला बंदा होता है ना, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो एक न्यू रेसिपी है ये जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज क्या हुआ कि 9 दिन के नवरात्रि हैं, तो मैं अकेले रख रही हूँ। फर्स्ट और सेकेंड मेरे हस्बैंड ने भी रखा था, तो क्या हुआ कि सिर्फ 2 चम्मच आटा बचा था। तो उस 2 चम्मच आटे से हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी। तो चलिए मेरे किचन में मैं बनाती हूँ नई रेसिपी। बस आज ये था कि थोड़ा सा, शायद कह सकते हो कि थोड़ी सी ऑयली रेसिपी है, बट फिर भी आप इसलिए, क्योंकि इसमें भी मैंने कम ऑयल यूज़ करने की कोशिश करी है, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो चलिए मेरे किचन में मैं दिखाती हूँ आपको एकदम न्यू लेटेस्ट रेसिपी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 2 चम्मच आटा बचा था, सो बड़े बड़े 2 चम्मच आटा था ये। और उसके बाद हमने लिया चॉप्ड धनिया, यानी कि धनिया पत्ती ली थी, चॉप किया मैंने। हरी मिर्च ली थी, सो ये आलू और ये जो टिक्की है कुट्टू की, वो बनाने के लिए। तो उसमें से ये आलू ज़्यादा थे, इसमें से मैंने 3 या 4 आलू लिए हैं सिर्फ। तो हमने लिया है आटा, उसके बाद लिए 1 चम्मच हरी मिर्च और 2 चम्मच लिया हरा धनिया। उसके बाद हम लेंगे इसमें 4 आलू, और उसको पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल भी, और इसको मैश करेंगे अच्छे से। और इसमें डालेंगे हरा जो धनिया पाउडर, हरा धनिया हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और उसमें डालेंगे फिर हम नमक। तो बस यही इंग्रेडिएंट है, फास्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ और यूज़ करते नहीं हैं। तो उसके बाद इसको अच्छे से मैश करेंगे, और जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा, कोशिश करिएगा कि अच्छे से, बहुत आटे की तरह एकदम जैसे मरते हुआ आटे की तरह मरना है इसको, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी जो टिक्की या पिट्ठी बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये आलू कुट्टू की पिट्ठी है। और अब हम क्या करेंगे, आज ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है, आज मैं घी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो बस इतना ही ऑयल डालना है। और 4 पिट्ठी बनेंगी इसमें, तो 4 पिट्ठी के लिए हमने डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल, और इसी में ही हमें फ्राई करना है। दूसरी तरफ मैंने जो है परात में लिया है थोड़ा सा घी, और हथेली पे लगा के इसको पिट्ठी बनानी है। तो ऐसे करके गोल गोल करके आप पहले लोई बनाओगे, लोई बना के धीरे धीरे उसको गोल करोगे, तो ये आटे की तरह जैसे लोई बनती है एकदम वैसी हो गई है। और अब इसको अच्छे से आप हथेली से चारों तरफ से दबा के गोल कर लेंगे, और थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, तो ये 4 लोई बनी थी और 4 पिट्ठी। अब हम धीरे धीरे इनको फ्राई करने के लिए डालेंगे, बहुत सिम आँच पे रखना है। तेल गरम करने के बाद सिम आँच पे इसको अच्छे से पकाएंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। तो कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो एक तरफ से ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसको पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेकेंगे। तो इसमें तेल भरने का एज सच नहीं होता, बट आप जानते ही हो कि कुट्टू तेल ऑलरेडी खुद ही सोख लेता है, तो इसमें अंदर तो तेल भरता नहीं है क्योंकि ये सॉलिड होती है। धीरे धीरे जब फूलने लगती है तो थोड़ा ऑयल भरने के चांसेस होते हैं, तो ये फूल गई है अच्छे से। तो ऑयल लेकिन इसमें नहीं भरा क्योंकि ये टाइट मड़ी हुई थी जो आटा है इसका। अब ये बहुत अच्छे से जैसे दब रहा है, देख पा रहे हो आप, तो ये दब रहा है, तो इसमें फूल के अच्छी सी हो गई है, सॉफ्ट क्रिस्पी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम दूसरा जो है पिट्ठी वो डाल देंगे। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गई है, एंड इट्स रेडी। सो हम निकाल लेते हैं इसको। अब उसके बाद हम डालते हैं इसमें दूसरी पिट्ठी, और ये रेडी हो गई है दूसरी। इसी तरह से हम चारों फ्राई कर लेंगे। अब यू कैन सी दैट इसकी जो क्रंचीनेस है वो दिख रही होगी आपको, और इसमें जो है अंदर भी अच्छे से सीख गई है। ये आलू ऑलरेडी बॉयल थे, और मैंने यहाँ पे सिर्फ जो बचा हुआ थोड़ा सा ऑयल बचा था, थोड़े से बचे ऑयल में मैंने बस जीरे से और धनिया पाउडर से फ्राई किए हैं, और उसके बाद इसमें जो है प्लेट में लगा दिया। सो आई होप आपको रेसिपी बहुत क्विक है, पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।